तो दोस्तों DSSSB में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इसके लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोसीजर इनका क्या रहेगा, ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो दिल्ली में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 1841 टीचर, फिर लैब असिस्टेंट और अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिए जो आवेदन है वो निकाले हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके अप्लाई करने के लिए अलग अलग, चूँकि ये पद हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग रखा गया है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी इन अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें 10th, 12th, BA की डिग्री, BEd, बैचलर्स की डिग्री, डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री इसमें अनिवार्य होगी और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं। अब जैसे पद के जो नाम है, इसमें म्यूज़िक टीचर है, इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं, लैब असिस्टेंट 4th ग्रेड का है, असिस्टेंट हैं जो कि OT और CSSD के हैं, और इसके लिए अलग अलग मैंने आपको बताया है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी और उसके हिसाब से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके लिए जो अहम तारीखें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 8 तारीख से आपको बता दूं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 15 सितंबर तक आपको बता दूं कि ये आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चलनी है। तो इसलिए अभी आपके पास बहुत समय है, 15 सितंबर तक का चूंकि आपको यहाँ पर समय मिल रहा है, तो इसलिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम जो आयु है वो आपकी 36 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं या आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सरकारी नौकरी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा, यानी कि एक एप्टीट्यूड जो टेस्ट है वो आपका वो इसमें रहेगा और उसी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं और उस एप्टीट्यूड टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर साक्षात्कार के जरिए मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाना है। वेतनमान आपको बता देता हूँ, 19,000 से लेकर 151,100 रुपये तक का इसमें जो वेतनमान है वो रखा गया है। चूँकि अलग अलग कैटेगरीज में मैंने आपको बताया कि ये जो पद हैं, जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। आवेदन करने के लिए आप इनका जो ऑनलाइन जो मोड है उस पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSB की, वहाँ पर जाकर के आप इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको आवेदन संबंधित और अलग अलग जो डिटेल हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से आपको जो डिटेल है वो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।